Hello, welcome back to my channel. I'm Dr. Meena, practicing Pune, Maharashtra. So today we are going to discuss about midline diastema, yani ki दांतों के बीच में जो gap हो जाते हैं, especially front tooth में, आगे के दो दांतों के बीच में आपने बहुत सारे patients ऐसे देखे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, जिनके दांतों में gap होते हैं आगे के दो दांतों में, तो वो लोग अपने aesthetic wise बहुत concern होते हैं कि हमें इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि होता मिडलाइन डायस्टेमा होता क्या है एंड इसका क्या कारण होता है एंड इसको ट्रीटमेंट क्या होता है एंड ट्रीटमेंट का क्या कॉस्ट होता है। तो हम सारी बातें इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। सो नाउ स्टार्ट द वीडियो। मिडलाइन डायस्टेमा दो दांतों के बीच में, स्पेशली फ्रंट टूथ के बीच में, आगे के ऊपर वाले जो दो दांत होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उसको हम मेडिकली मिडलाइन डायस्टेमा बोलते हैं। अब इसका क्या कारण होता है? जनरली इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं मिडलाइन डायस्टेमा के, लेकिन यहाँ पे मैं एक मेन रीजन बता रही हूँ कि कभी कभी किसी पेशेंट के आगे के दो दांतों के बीच में हाई फ्रेनम अटैचमेंट होता है। मीन्स एक मसल होती है जो लिप से, अपर लिप से एंड हमारे दो दांतों के बीच में कनेक्ट होती है। सो वो अगर बिल्कुल ही दो दांतों के बीच में हो, नियरेस्ट में हो, तो उस वजह से मिडलाइन डायस्टेमा होता है। इसके काफी सारे कारण होते हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो दो दांतों के बीच में जो गैप है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा एंड इसका क्या चार्जेस होते हैं। सो इसका जो मेनली जो ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं, अगर सिंपल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करें तो सिंपल ट्रीटमेंट जो होता है, सबसे पहले कंपोजिट फिलिंग। अगर किसी को मिडलाइन डायस्टेमा है और उसको इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए एंड डायस्टेमा ज़्यादा नहीं है, मीन्स जो स्पेस है वो उसका जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा नहीं है, तो हम सिंपल फिलिंग कर सकते हैं। साथ कंपोजिट फिलिंग हम टूथ कलर फिलिंग होता है एंड बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है एंड वो इमिडिएटली आपको मिडलाइन डायस्टेमा जो आपका क्लोज कर देता है। इसका जो हम चार्जेस की बात करते हैं, तो इसका चार्जेस डिपेंड करता है 1500 से 2000 के बीच में पर टूथ आपका पड़ेगा। तो यानी कि दो दांत है तो 2000 अगर आप लेके चलो 4000 तक हो जाए मैक्सिमम आई एम टॉकिंग, बट इट डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक। नेक्स्ट ऑप्शन इज वीनियरिंग। वीनियरिंग में हम दांत के आउटर लेयर को कट कर देते हैं, इसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं, लेकिन ये क्राउन केवल आउटर सरफेस में होता है, सो दैट इज कॉल्ड द वीनियरिंग। ये भी बहुत अच्छा होता है, दांत के कलर का होता है, मैचिंग करते हैं आपके अगल बगल के दांतों से एंड ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपको। इसकी जो कॉस्ट होती है ये डिपेंड करता है 7000-8000 से लेके ये पर टूथ कॉस्ट होती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज क्राउन। क्राउन का आपको कौन से क्राउन चाहिए होता है ये डिपेंड करता है, क्राउन की बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, अलग अलग वेराइटीज़ होती है क्राउन में एंड फ्रंट टूथ में स्पेशली जो होता है हम जिम्बोन या ईएमएक्स यूज़ करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है किसी पेशेंट को अगर पीएफएम चाहिए होगा तो पीएफएम भी प्रोवाइड करते हैं। इसकी कॉस्ट एंड इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने स्पेशली इसका एक अलग से वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। क्राउन बहुत अच्छा होता है, इसका रिटेंशन बहुत अच्छा देता है आपको, तो क्राउन इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन इज रिमूवल अप्लायंस। रिमूवल अप्लायंस भी दिया जाता है बट ये टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन होता है, जैसे 6 महीने 7 महीने ये साल भर भी लग सकता है एंड ये रिलैप्स होने के चांसेस भी होते हैं, मीन्स आपने ट्रीटमेंट खत्म हुआ उसके बाद दोबारा गैप आने के चांसेस भी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट एंड फ्रेनम रिमूवल। मीन्स अगर आपका फ्रेनम की वजह से जो मसल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि मसल्स का अटैचमेंट हमारे दो दांतों के नियरेस्ट होता है, तो उसको हटा के उसको रिमूव करके ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए जाया जाता है। ये भी टाइम कंज्यूमिंग ट्रीटमेंट है, साल भर तक लग जाता है, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। इसका कॉस्ट होती है ऑर्थो ट्रीटमेंट की, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से ब्रेसेस, कौन सा ब्रेसेस चाहिए होता है, तो स्टार्टिंग विद 20,000 25,000 30,000 ये अलग अलग रेंज होते हैं इसके। तो इस वीडियो में बस यही तक है। अगर आपको कुछ और जानना है मिडलाइन डायस्टेमा के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।